नयागढ़ जिला भापुर ब्लॉक रे 80 कोटी टंका रे दुर्नीति एवं अध्यक्षक जाल दस्तखत करी 80 कोटी टंका हड़प करितबा बिजेडी नेता गयाधर पैडा को गिरफ पई तेजुची जन आंदोलन तेबे घटनार दीर्घ दिन पर थाना अभियोग पुलिस कौन कार्यानुष्ठान नहींनी एवं जिला प्रशासन तदंत करी जाल दस्तखत अभियोग को सत बोली स्वीकार करथिले मध्य एपर्यंत कहा चापरे गयाधर पैडा को सुरक्षा देउची प्रशासन आ पुलिस सीधासळख आज नयागढ़ जिलापाल भेटी किसी दलित संगठन कर्मकर्ता मैंने सहित आलोचना करवा कौन दाबी रही कौन दाबी नहीं कि आसी आज आज कौन दाबी थी कौन कौन अभियोग कौन दाबी नहीं कि आप भेट जिलापाल आज आप देखुए नयागढ़ जिले में जो संविधान को हत्या करवैधानिक प्रक्रिया आदिवासी मानी जो प्रकार व्यवस्था रही गोटे बड़ा व्यतिक्रम ये देखा जाइए आदिवासी महिला को अध्यक्ष भाव में स्वीकार करा जाए ना तांको बलपूर्वक तांकर चाम्बर रु बाहर कर दिया जाइए एवं आट्रोसीट आईन 1999 रो घोर व्यतिक्रम करा करा जाइए एवं यही संदर्भ में आम उपजिलापाल महोदय को भेटिथिलु एवं से प्रतिश्रुति देइचंते आको जिलापाल महोदय को नजर को आणबे एवं कार्यानुष्ठान पई जदि कार्यानुष्ठान न हुए ताले 25 तारिख थारु एठी गणधारणा विक्षोभ जारी रहिबो एई विश्रंखलार प्रतिवाद रे दाबी रखुले दीर्घ दिन पर जिला प्रशासन जो भाई भाव में घटना को चापी देवाई उद्यम करुच्ची घटनार अभियोग आसला पर दीर्घ दिन पर तदंत प्रक्रिया को आगे आगे जाए ना जो मैंने ये संपुक्त अच्छा से विरोध में कार्यानुषान नि जाऊना सीधा सड़क आप कौन अभियोग करेंगे जो आप जो महलत दे 24 घंटार महलत दे 24 घंटार महलत भितर जदि आप दाबी पूरण नुहे आप रंग में प्रतिवाद करेंगे ये हूँ एक आदिवासी अधिकृत बहुल राज्य ओडिशा राज्य ए दलित एवं आदिवासी प्रति घोर अन्याय जहाँकि महादुर्नीति ए दुर्नीति केवल भापुर ब्लॉक रो नुहे समग्र ओडिशा जनसाधारण एणु ए दुर्नीति विरुद्ध लड़ाई हेबो एवं सर्वोपरि जड़े आदिवासी महिला को नवीन बाबू ए सरकार थी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आदिवासी सशक्तिकरण कथा कहुथुवा बेले तांकर नेता माने किभली भावरे आदिवासी महिला मानंकर अधिकार को खिन्न करुचंती एक जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को किभली भावरे गाली कराई असम्मान कराई चैंबर को तांकर पैड लेटर पैड और स्टाफ को लेकिन तार दुरुपयोग कराई कोटी कोटी टंका को बाटमारणा कराई यार विरुद्ध केवल नयागढ़ जिले में नुहे समग्र राज्यव्यापी ए आंदोलन को आगामी दिन में तीव्र करने आम सारा राज्यर लोक एकठा करूँ तुरंत आगामी जो अधिवेशन हो विधानसभा अधिवेशन विधानसभा अधिवेशन ये गोटे बड़ धरणर गणविक्षोभ एवं अनशन जारी रहिबो जहाँ कहले ये मुख्यमंत्री जितेबले दलित मानकर आदिवासी लोक मान सुरक्षार कथा कहते जो 5G सरकार नारा दौंबले जड़े दलित आदिवासी महिला अध्यक्ष पद रू हटा जा दुर्नीति को सामना को आनी लोक जो भाव में दंड दिजा जी दुर्नीतिर संपुक्त जहाँ नाँ अभोग रही अध्यक्ष पद में पुणी अधिष्ठित करवा मुख्यमंत्री गोटे प्रकार जो महिला प्रति जो कथा कहते जो डिन्य पीटुंत से कथा पदा को आ सीधा सड़क आपशन में बसी थे एसपी अफिसर धारणा में बसी थे कि कौन से प्रभाव पड़े भावुंत आप जो महलत दे आंदोलन में आप दाबी पूरण हम और न्याय मिल शुद्ध आज्ञा ये सरकार तो दलित आदिवासी मानकूँ न्याय दवापाई कि मानसिक स्तर में प्रस्तुत नुहे किंतु आमर जेहतु सांविधानिक अधिकार अच्छी अनुसूचित जाति जनजाति निर्यातना निवारण नियम केन्द्र सरकार प्रणयन करी करने आम निश्चित भाव आमर संग्राम को जोरदार करूँ गोटे कथा जो गयाधर पैडा चेयरमैन ऑफिस को जबरदखल कले तार प्रमाण दवापाई कि पूर्वतन चेयरमैन मैंने कौ रूम्रे बसुले ये जो शांतिलता बेहरा चेयरमैन है कौ रूम्रे बसुले ए संपर्क में 7-8 जन सरपंच समिति सभ्य जनरल कार्टर से मैंने प्रमाण दे गयाधर पैडा को अरेस्ट कर एसपी आम को प्रतिश्रुति किंतु से 8 जन ना लेखिकी कोर्टर 12-8 रु बर्तमान आयोग पाक जाकर बयान रेकर्ड करने बयान रेकर्ड करना 2017 मसीह पूर्व जो कर्मचारी मैंने से ब्लक अच्छा से जानते पूर्वतन चेयरमैन कौ रूम बसते बर्तमान चेयरमैन भी कौ रूम बसते कौन सी स्टेटमेंट नि जाए ना
ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡଟା ତ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ ନା, ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ରୁମ୍, କି ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେସବୁ ରେକର୍ଡ କରିବା କଥା, ସେ ରେକର୍ଡ ନ କରିନାହାନ୍ତି ଆୟୋଗ, ତେଣୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଥର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରଥମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଲୁ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୁଲାସା କଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶାସନ? ସେ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କି ଠିକ୍ ଦସ୍ତଖତ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି, କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ଟା ଜାଲ ହେଇଛି। ଯଦି କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ଜାଲ ହେଇଛି ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା, ଅର୍ଗସରେ ଆସିଲା, ଏବଂ ଆଜି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଧରିତ୍ରୀ ଆସିଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେଇ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଭୟ ମାନେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହା ଚାପରେ, ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ବିଜେଡି ନେତା ରହିଛନ୍ତି କାହା ଚାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ନିଜେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନିଜେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି, ତାପରେ ବି କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କେବେ ଏ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ଏବଂ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।